कॉमरेड राजा राम जी को, वो इस धरती का बेटा है। और मैं समझता हूं इस संघर्ष में, इस इलाके की लड़ाई को, चाहे सिंचाई संबंधी हो, चाहे कोई भी जन आंदोलन हुआ, उसमें राजा राम जी का अग्रिम भूमिका रहा है। और इतने अच्छे सुजोग उम्मीदवार को हमारे बीच हमारे नेताओं ने भेजा है, और हमारे घर के बेटा हैं, भाई हैं, और बराबर हम लोग से मिलने जुलने वाले आदमी हैं, और उनके संघर्षों को भी आप जानते हैं। मैं अपने नेता महागठबंधन के शीर्ष नेता कॉमरेड दीपांकर साहब को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत से हम लोग गोह विधानसभा से राजा रानी को जिताएंगे। और आप तमाम लोग इसमें सहभागी होंगे, मैं देख रहा हूं हर जगह लहर है। और हमारे कैंडिडेट की तरफ से भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लंबा क्षेत्र है, हम लोग के बीच वो बराबर आते जाते रहे हैं, आपके संघर्षों में साथ देते रहे हैं। उनके तरफ से भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर आपके गांव में नहीं गए हो तो आप निराश ना होंगे। हर वर्कर राजा राम है, अपने आप को राजा राम समझना है। और हम तमाम साथी एकजुट होकर के 1 तारीख को जो 3 तारा झंडे पर 3 तारा है, अपने माताओं बहनों को समझाना है। इसलिए चुनाव चिन्ह में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, गांव में जाकर के वोट हम लोग के पास बहुत है। अपने माताओं बहनों को, खास करके बुजुर्गों को ये बात को बताना है कि झंडा पर 3 तारा 2 नंबर ईवीएम पर वोट देना है, और साथ ही राजा राम जी को विजयी बनाना है। पुनः मैं आप तमाम लोगों की ओर से, स्वर्गीय राम शरण यादव की कर्म भूमि की ओर से दीपांकर साहब को मैं अभिनंदन करता हूं, और तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप तमाम लोग आने वाला 1 तारीख को अपना एक एक मत झंडे पर 3 तारा पर देकर के भाई राजा राम जी को विजयी बनावे। जय हिंद, जय भारत। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य को लाल सलाम। महागठबंधन जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कॉमरेड राजा राम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।